हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर। फर्स्ट, व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर बेसिकली क्या आपके पास? रजिस्टर इज ए कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। आपके पास अन नंबर ऑफ, अगर हम फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन कर दें, दैट इज़ नोन एज ए शिफ्ट रजिस्टर। तो बेसिकली आपके पास रजिस्टर्स किस लिए यूज होता है? देर आर रजिस्टर्स की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, देर आर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्स। द फर्स्ट वन इज यूज इन मेमरीज एंड द सेकेंड वन इज यूज इन माइक्रो प्रोसेसर्स। तो रजिस्टर आपका डिजाइनिंग फॉर मेमरीज और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपके पास जो है उसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपके पास जो रजिस्टर्स हैं सेविंग के लिए, तो उनको हम शिफ्ट रजिस्टर्स को भी यूज करते हैं आपके पास। नाउ वी हैव क्लासीफाइड द रजिस्टर्स इन टू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज मेमरी रजिस्टर एंड द सेकेंड वन इज शिफ्ट रजिस्टर। द मेमरी रजिस्टर इज नोन एज फॉर मेमरी पर्पज या स्टोरेज पर्पज, एंड शिफ्ट रजिस्टर इज यूज एज ए शिफ्टिंग पर्पज। द डेटा कैन बी शिफ्ट वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और मेमरी रजिस्टर इज रजिस्टर दैट कैन ए स्टोर। बेसिकली आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप है दैट कैन स्टोर ए सिंगल बिट मेमरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज वन बिट मेमरी सेल। इफ़ वी टॉक अबाउट मेमरी रजिस्टर, तो मेमरी रजिस्टर आपके पास बेसिकली आपके पास किस लिए यूज होता है? मेमरी को आपकी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन या डेटा को उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, जो शिफ्ट रजिस्टर है दैट कैन बी शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट द डेटा फ्रॉम मोमेंट। बेसिकली आपके पास जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके दो फंक्शंस हैं, टू बेसिक फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ डेटा और ट्रांसफर ऑफ डेटा, सेकंड इज स्टोरेज फंक्शन। दिस इज शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड टू फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ डेटा और ट्रांसफर ऑफ डेटा, द सेकेंड इज स्टोरेज फंक्शन, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो शिफ्टिंग ऑफ डेटा है आपके पास, शिफ्टिंग ऑफ डेटा के अंदर आपके पास जो डेटा है दैट कैन बी शिफ्टेड लेफ्ट और शिफ्टेड राइट। आपका शिफ्ट लेफ्ट हो सकता है या शिफ्ट राइट हो सकता है। सेकंड जो पर्पज़ है दैट इज़ यूज फॉर स्टोरेज पर्पज। फॉर स्टोरेज पर्पज वी हैव यूज हेयर डी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप। इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास क्यू इज आउटपुट, डी इज इनपुट एंड क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। वेन द इनपुट इज वन, यहाँ पे हमने वन इनपुट अप्लाई किया डी फ्लिप फ्लॉप पे, तो ये वन आपका, जैसे हम आपका जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी आप इनपुट अप्लाई करोगे, जीरो अप्लाई करोगे तो आपकी जो जीरो है वो आपके आउटपुट पे जाके स्टोर हो जाएगा। वेन हम क्लॉक अप्लाई करेंगे, वन अप्लाई करेंगे, तो आपका जो वन है वो आपका आउटपुट पे वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वन इनपुट अप्लाई किया, तो जब आप वन बिट यहाँ पे अप्लाई करोगे डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो जैसे हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, व्हेन वी अप्लाई द क्लॉक पल्स द वन विल बी स्टोर एट द आउटपुट। सेम केस जो जीरो के लिए आपके पास, यहाँ पे हमने जीरो इनपुट अप्लाई किया सेकंड वाले में, यहाँ तो सेकंड फिगर में आपके पास जीरो इनपुट अप्लाई किया, तो जीरो के बाद हमने जो क्लॉक पल्स अप्लाई किया है, जैसे हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया वो जीरो आपका आउटपुट पे जाके स्टोर हो जाएगा। दिस इज यूज एज ए स्टोरेज पर्पज। सेकेंड, टूडे नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। द बेसिक, अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो द क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्टिंग में आपके पास जो डेटा है दैट आर शिफ्टिंग इन सिक्स पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सीरियल शिफ्ट राइट, सेकेंड सीरियल शिफ्ट लेफ्ट, नेक्स्ट पैरेलल शिफ्ट इन, पैरेलल शिफ्ट आउट, रोटेट राइट एंड रोटेट लेफ्ट। दीज आर सिक्स पार्ट। जनरली आपके पास जो शिफ्ट रजिस्टर है पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और सीरियल शिफ्ट कर सकते हैं। जो सिक्स हमारे शिफ्टिंग क्लासिफिकेशंस थी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है सीरियल शिफ्ट राइट। सीरियल शिफ्ट राइट में आपके पास जो डेटा होगा वो राइट साइड की डायरेक्शन में आपका शिफ्टिंग होगा, राइट साइड से आपका डेटा आउट हो जाएगा। दिस इज राइट साइड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी आपके पास राइट साइड में शिफ्ट होगा और राइट साइड से डेटा आपका वन बाई वन, सीरियल डेटा है तो आपके पास वन बाई वन करके डेटा आपका ट्रांसमिट होगा या शिफ्टिंग होगा
फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बिट्स हैं तो आपके पास 1x1 बिट आपका सीरियली शिफ्टिंग होगा 1x1। इसके अंदर हमें जैसे एक क्लॉक पर एक डेटा को शिफ्ट करने है, जैसे एक बिट को अगर हमें शिफ्ट करना, वन बिट को अगर शिफ्ट करना है तो हमें एक क्लॉक पल सप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही सेम अगर आपको 3 बिट्स को शिफ्टेड करना तो हमें 3 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड आपके पास है सीरियल शिफ्ट लेफ्ट। फॉर सीरियल शिफ्ट लेफ्ट द सेम जो आपके पास राइट साइड से था, इसके अंदर आपके पास लेफ्ट साइड से डेटा आपका शिफ्ट हो जाएगा। डेटा 1x1 करके आपका डेटा एंटर होगा और 1x1 करके आपका डेटा एंटर होगा एंड 1x1 करके डेटा आपका आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग में आपका जो डेटा है, द डेटा कैन बी एंटर्ड पैरेलली। आपका जो डेटा है एक ही क्लॉक पल्स पे जितना भी आपकी बिट्स हैं, सारी की सारी बिट्स एक ही क्लॉक पल्स पे एंटर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल देर आर 3 बिट्स, ये आपके पास 3 बिट्स हैं, तीनों बिट्स एक ही क्लॉक पल्स पे एंटर हो जाएंगी। दीज 3 बिट्स आर एंटर्ड इन व्हेन यू अप्लाई ए सिंगल क्लॉक पल्स। नेक्स्ट पैरेलल शिफ्ट आउट। सेम व्हेन वी आउट द पैरेलल शिफ्ट आउट डेटा, वी रिक्वायर ओनली ए सिंगल क्लॉक पल्स टू आउट पैरेलली। जैसे आपके पास सीरियली इन किया था वैसे आपके पास पैरेलल आउट के लिए भी हमें एक ही क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ नेक्स्ट इज रोटेट राइट। फॉर रोटेट राइट द डेटा इज शिफ्टेड राइट एंड दिस इज रोटेटेड विद फीडबैक। दिस डायरेक्शन इज यूजिंग रोटेशन, दिस इज फीडबैक। ये आपका राइट साइड से आपका डेटा एंटर होगा और राइट साइड से आपका डेटा एग्जिट हो जाएगा। राइट साइड से डेटा आपका दोबारा से यहाँ पे ये रोटेशन चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट के अंदर क्या होगा आपके पास, रोटेट लेफ्ट में आपके पास जो डेटा होगा वो लेफ्ट साइड से एंटर होगा। इट मीन्स आपके पास जैसे हमने ये राइट वाला किया था, सेम इसका जस्ट उल्टा रहेगा, जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट में आपके पास जो डेटा एंटर होगा आपका लेफ्ट साइड से डेटा एंटर होगा इस साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास बिट्स हैं 3 बिट्स, तो बिट्स की फॉर्म में आपका डेटा 1x1 करके एंटर होगा। जैसे 1x1 आपका डेटा सीरियली है तो सीरियली एंटर हो जाएगा, तो 1x1 आपका डेटा शिफ्टिंग होता रहेगा। दिस इज फीडबैक। तो फीडबैक से आपका डेटा 1x1 करके वापस, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव यूज 101, तो 101 जैसे आपके पास नेक्स्ट हम क्लॉक पल सप्लाई करेंगे तो ये डेटा 1x1 आपका शिफ्ट होता रहेगा और फीडबैक के थ्रू वापस इनपुट पे अप्लाई होता रहेगा। दिस इज रोटेट लेफ्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ शिफ्ट रजिस्टर टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। थैंक यू।